धार जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर आज कांग्रेस के दो घोर विरोधी धड़े एक साथ आए, जिनमें प्रदेश के पूर्व कांग्रेसी मंत्री गंधवानी विधायक उमंग सिंगार और धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए जाने की बात कही। वो कांग्रेस के दो अध्यक्ष होंगे जिनके ढाई ढाई साल के दो कार्यकाल रहेंगे। प्रेस वार्ता के माध्यम से उमंग सिंगार ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार में आदिवासी क्षेत्रों की अनदेखी की जा रही है तथा वहां पर रुपया नहीं पहुंच पा रहा, जिससे क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा और रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जिले में कांग्रेस अध्यक्ष पद के दो कार्यकाल ढाई ढाई साल के होंगे और दो अध्यक्ष रहेंगे जिसके माध्यम से आदिवासी क्षेत्र में भरपूर विकास हो पावे। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री दत्ती गांव भी पूर्व में कांग्रेसी रह चुके हैं और उनके जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए वही कांग्रेस को ही वोट डालेंगे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम ने भी प्रेस वार्ता के माध्यम से यही बात कहते हुए बताया कि कल अध्यक्ष पद के चुनाव के पूर्व जिले की प्रभारी शोभा ओझा के द्वारा कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष पद के दावेदार का नाम घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के ही उम्मीदवार का जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय बताया है। कांग्रेस पार्टी हर मतभेद को छोड़कर एकजुट होकर साथ खड़ी है तथा जिले के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। वहीं कांग्रेस की एकजुटता के दावों के बीच तीसरा गुट कुलदीप सिंह मुंदेला सहित उनके समर्थक इस प्रेस वार्ता से नदारद दिखे। हम लोगों ने सामने बैठकर एक तय किया है, माननीय कमलनाथ जी की भावनाओं के अनुसार धार जिले में जिला पंचायत कांग्रेस के बने, धार जिले का कार्यकर्ता और धार जिले के जो कांग्रेस परिवार के लोग हैं सभी की भावना है कि 29 तारीख को होने वाले जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने। हमें पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि हम कांग्रेस की जिला पंचायत कल बनाएंगे। मुझे मालूम है आप लोगों की गुगली इधर से उधर चल रही है, लेकिन आपकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए कल आपको बता दिया जाएगा फॉर्म भरने के पहले कि कौन फॉर्म भर रहा है। हम सब पूरी जिला कांग्रेस सभी लोग एक है और जो आपको बताया कि ढाई ढाई साल दोनों की आपसी सहमति है, ये भी एक आपको बता दी और जिला कांग्रेस और जिले के कार्यकर्ताओं की भावना वो भी आपको बताया। धन्यवाद। देखिए, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपसे कहा और अभी भी आपसे कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने की तरफ बढ़ रही है, उसी तारतम्य में सभी जिला पंचायत अधिक से अधिक हम लोग जीते, ये कांग्रेस की रणनीति है और यही भावना रखते हुए जिले के कार्यकर्ताओं की भावना रखते, जिले के वोटर के रखते, जो कांग्रेस को वोट देते, सम्मान देते, सब पदाधिकारी हो चाहे विधायक हो, सभी हम लोगों ने आपसी सहमति, जिला अध्यक्ष भी हम लोगों ने सबने प्रभारी जी सबने सहमति बनाई कि कांग्रेस की जिला पंचायत बने। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो कई लोग ऐसे हैं जो कांग्रेसी है जो चले गए भाजपा में, वो भी कांग्रेस को वोट देंगे। कल फॉर्म भरेगा अध्यक्ष का, आप क्लियर हो जाएगा। नहीं, अचानक वाली बात ही नहीं, अभी पार्टी ने जो तय नहीं किया है, कल प्रभारी भी रहेंगे, प्रभारी रहेंगे, अभी बात हुई हमारे हेमंत पाल जी से भी, सब लोग बैठे कल सुबह तय करें। धन्यवाद। ऐसा है कि राजवर्धन जी है तो पुराने कांग्रेसी, अब चोला बदलने से क्या होता है, अब कई वोट उनके भी मिलेंगे। हम लोगों ने पहले ही तय कर लिया है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के मंशानुसार हमारे जिलों के जो कांग्रेसी कांग्रेस परिवार के सारे कार्यकर्ता हैं, सदस्यगण हैं, उनकी भावनाओं के अनुसार और हमारे सारे MLA जो हैं सबके सबने की मंशा है, हम सब एक होकर के वो जिला पंचायत का चुनाव लड़े, जिला पंचायत कांग्रेस का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए, इस भावना के साथ हमने आज PCC रखी थी। दोनों ही दलों का छोटा छोटा सदस्य हैं, तो किस तरह कांग्रेस दावा करेगी हम सरकार बना लेंगे, जिला पंचायत बना देंगे? अभी आपको ध्यान होगा, मंटू भैया ने ये कहा
कि मंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की जिला पंचायत बनेगी, बाद में उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर दिया कि बीजेपी की बनेगी। तो यह अंतरात्मा की आवाज़ है मंत्री जी की, और मंटू भैया ने वही सुना कि उन्होंने यही कहा था जो मंटू भैया सुना, और मंटू भैया जो यहाँ पे बोल गए हैं, तो अंतरात्मा की आवाज़ से वो हमको वोट देंगे और हम 17 वोट आएंगे हमको। जिला पंचायत पंचायत हमने काफ़ी जीती है, और निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो शहर में जानते हो कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख करती है, उस खरीद फरोख की वजह से ही हमारे जो है निकाय के चुनाव हारे हैं।